हिरुडिनेरिया ग्रेन्यूलोसा इंडियन कैटल लीच। आज करेंगे इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीटरी सिस्टम। हिरुडिनेरिया के अंदर ऑब्लिटरेटेड सिलोम पाई जाती है। इसका अधिकांश भाग बॉट्राइडल टिश्यू से भरा हुआ रहता है। ओरिजिनल सिलोम सिर्फ चार लॉन्गिट्यूडनल चैनल्स, उनसे निकलने वाली ब्रांचेस और कैपिलरीज में और कुछ सिलोमिक साइनसेस के अंदर रिप्रेजेंट होती है। सिलोमिक साइनसेस वो स्पेस है जो कि टेस्टिस सैक, ओवी सैक्स और वेसा डिफरेंशिया के चारों तरफ पाए जाते हैं। लॉन्गिट्यूडनल और इनकी ब्रांचेस एक ब्लड के समान फ्लूड से भरी रहती है, इसे हीमोसिलोमिक फ्लूड कहते हैं, इसलिए इन चैनल्स को हीमोसिलोमिक चैनल्स भी कहा जाता है। इसके अंदर कलरलेस अमीबॉइड कॉर्पसल्स होती है और इसका कलर रेड होता है बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोसिलोमिक सिस्टम। ट्रू ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इसके अंदर नहीं पाया जाता है और इसलिए इस सिस्टम को कहा जाता है हीमोसिलोमिक सिस्टम। इसके अंदर जो सिलोमिक फ्लूड होता है रेड कलर का, उसको हीमोसिलोमिक फ्लूड कहते हैं और चैनल्स जिसके अंदर ये फ्लूड बहता है उन्हें हीमोसिलोमिक चैनल्स कहा जाता है। इसके अंदर में चार लॉन्गिट्यूडनल हीमोसिलोमिक चैनल्स पाई जाती है, एक डॉर्सल चैनल, एक वेंट्रल चैनल और दो लेटरल चैनल्स होती हैं। इन चैनल्स के अंदर फ्लूइड पीछे से आगे की तरफ बहता है डॉर्सल और लेटरल में। डॉर्सल और लेटरल चैनल के अंदर हीमोसिलोमिक फ्लूइड का प्रवाह पीछे से आगे की तरफ होता है और वेंट्रल के अंदर आगे से पीछे की तरफ होता है। ये चारों ही चैनल्स बॉडी के पोस्टीरियर रीजन में जुड़ जाती है और डॉर्सल और वेंट्रल चैनल वितरण चैनल्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल्स हैं और लेटरल चैनल्स में डिस्ट्रीब्यूटिंग और कलेक्टिंग दोनों ही प्रकार की होती है। सबसे पहले लेते हैं डॉर्सल चैनल। जो डॉर्सल चैनल है ये डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल है। इसके अंदर सिलोमिक फ्लूइड का फ्लू पीछे से आगे की तरफ और रहता है। मध्य पृष्ठ सतह पर पाई जाती है, बॉडी वॉल के नीचे और आहार नाल के ऊपर। इसकी भित्तियां नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल होती है और कनेक्टिव टिश्यू और सिलोमिक एपिथीलियम से मिलकर बनती है। इनके अंदर कोई वॉल्व नहीं पाया जाता है। इसके द्वारा हर सेगमेंट में दो ब्रांचेस निकलती है। ये दो ब्रांचेस कौन कौन सी है? डॉर्सोलेटरल्स डिस्ट्रीब्यूटिंग है, मतलब वितरण कर रही है। और ये डॉर्सल लेटरल्स कहाँ पे वितरित करती है फ्लूइड को? डॉर्सल और डॉर्सोलेटरल रीजन ऑफ बॉडी वॉल पे। और दूसरी है डॉर्सो इंटेस्टाइनल्स, नाम से पता लग रहा है ये जाती है, इससे वितरित की जाती है आहार नाल को। आगे की तरफ में ये छठे सेगमेंट में जाती है और छठे सेगमेंट में जाके ये छोटी छोटी ब्रांचेस और कैपिलरीज में विभक्त हो जाती है जो कि पहले सेगमेंट तक जाती है और एक जालक का निर्माण करती है। पीछे की तरफ ये 22वें खंड में जाकर दो भाग में बढ़ जाती है, रेक्टम के चारों तरफ से होती हुई वेंट्रल चैनल के पोस्टीरियर डायलेशन से जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट है वेंट्रल चैनल। वेंट्रल चैनल में ब्लड का फ्लू आगे से पीछे की तरफ होता है, ये डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल है और मध्य अधर सतह पर आहार नाल के नीचे पाई जाती है, अग्र सिरे से पश्च सिरे तक। इसका डायमीटर डॉर्सल चैनल के डायमीटर से ज़्यादा होता है और इसमें भी नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल असंकोचनशील पतली भित्ती वाली संरचनाएं हैं जो कि कनेक्टिव टिश्यू और सिलोमिक एपिथीलियम से मिलकर बनती है। डॉर्सल चैनल की तरह ही इसमें भी वॉल्व्स या कपाट नहीं पाए जाते हैं और इसमें हीमोसिलोमिक फ्लूइड आगे से पीछे की तरफ बहता है। जैसे ही ये बाहर निकलती है इससे तुरंत से दो ब्रांचेस निकलती है,
जो पहली ब्रांच है उसको क्यूटेनियस ब्रांच कहते हैं। ये क्यूटेनियस ब्रांच जैसे ही निकलती है इससे और नर्व गैंग्लियन के लेवल पे हर सेगमेंट में पाई जाती है और तुरंत से दो शाखाओं में बढ़ जाती है। एक है इसकी वेंट्रल ब्रांच जो कि वेंट्रल बॉडी वॉल में जाकर कैपिलरीज का जालक बनाती है और दूसरी है एब्डोमिनो डॉर्सल ब्रांच, ये डॉर्सल बॉडी वॉल को जाती है। तो पहली ब्रांच तो हो गई क्यूटेनियस ब्रांच और दूसरी ब्रांच होती है इसकी, इसको कहते हैं नेफ्रिडियल ब्रांच। ये सेगमेंटल नर्व गैंग्लियन जहाँ मिलता है उसके जस्ट पीछे की तरफ पाई जाती है, सिर्फ 11 जोड़ी पाई जाती है, 11 खंडों के अंदर है, 12 से 22 के बीच में और हर खंड में एक जोड़ी पाई जाती है और उन्हीं खंडों में होती है जहाँ पर कि टेस्टी सैक पाए जाते हैं। ये बाहर की तरफ आगे बढ़ती है और एनलार्ज होकर बड़े होकर पेरी नेफ्रोस्टोमियल एम्प्यूला बनाती है और इस एम्प्यूला के अंदर सीलिएटेड ऑर्गन्स को ये एनक्लोज किए रहते हैं। इसके द्वारा सप्लाई की जाती है, डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल है ये, तो इसके द्वारा सप्लाई की जाती है नेफ्रिडिया को, बॉडी वॉल को और सीलिएटेड ऑर्गन्स को। लास्ट है लेटरल चैनल। लेटरल चैनल दो होती हैं और ये कलेक्टिंग भी है और डिस्ट्रीब्यूटिंग भी है। इसमें सिलोमिक फ्लूइड का फ्लो पीछे से आगे की तरफ होता है और इनका डायमीटर सबसे अधिक है और इसके अंदर वॉल्व्स पाए जाते हैं जो कि फ्लूइड के फ्लो को कंट्रोल करते हैं और फ्लो इसमें से पीछे से आगे की तरफ होता है। लेटरल चैनल्स से एक ब्रांच तो बाहर निकलती है और दो ब्रांच इसके अंदर प्रवेश करती है, कलेक्टिंग पे है, तो एक ब्रांच बाहर निकल रही है और एक अंदर जा रही है। जो बाहर निकलती है उसको कहते हैं लेट्रो वेंट्रल ब्रांच। जहाँ से जैसे ही निकलती है ये दो पार्ट में बढ़ जाती है, एंटीरियर और पोस्टीरियर, तो दोनों तरफ की लेट्रो साइड से लेट्रो वेंट्रल निकली ये ऑपोजिट और दोनों तरफ से फिर एंटीरियर और पोस्टीरियर निकली, ये दोनों आपस में जुड़ जाती है और एक रोम्बॉइडल स्ट्रक्चर बनाती है और जुड़ती है, उसको बोलते हैं वेंट्रल कमीशन ऑफ लेटरल्स। हर सेगमेंट में ये इस तरह से जुड़ी रहती है। ये हीमोसिलोमिक फ्लूइड को ले जाते हैं आहार नाल, नेफ्रिडिया और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में। ये देखिए डायग्राम है, ये है लेटरल चैनल, ठीक है। लेटरल चैनल से एक निकल रही है, ये है लेट्रोवेंट्रल। लेट्रोवेंट्रल निकलते ही दो में बढ़ जाती है, वेंट्रल एंटीरियर ब्रांच और पोस्टीरियर ब्रांच। इधर की एंटीरियर और इधर की एंटीरियर ये आपस में मिल गई और मिलती किस तरह से, वेंट्रल कमीशन ऑफ लेटरल से। हर सेगमेंट में ये पाया जाता है, दो पास के सेगमेंट्स के ये रोम्बॉइडल स्ट्रक्चर्स आपस में जुड़े रहते हैं किसके द्वारा, 1 2 3 तीन लॉन्गिट्यूडनल इंटरसेगमेंटल कमीशर्स के द्वारा। उसके बाद में है इससे जो बाहर निकलने वाली ब्रांचेस है वो है लेट्रोलेटरल, ये वाली है लेट्रोलेटरल और ये है लेट्रोडॉर्सल। लेट्रोलेटरल एक छोटी ब्रांच है और इस ये कलेक्टिंग ब्रांच है, ब्लड सिलोमिक फ्लूइड रिसीव करती है स्किन से लेटरल साइड ऑफ बॉडी वॉल नेफ्रिडिया अपनी तरफ के और नेफ्रिडियल वेसिकल के लेवल पर आकर ये इस लेटरल चैनल से मिल जाती है। दूसरी है लेट्रो डॉर्सल। लेट्रो डॉर्सल बड़ी ब्रांच है और डॉर्सल और डॉर्सोलेटरल बॉडी वॉल से, गट वॉल से, नेफ्रिडिया से सिलोमिक फ्लूइड कलेक्ट करती है और ये लेटरल चैनल को मेन लोब जहाँ नेफ्रिडिया का स्थित है वहाँ पर आकर ये इससे मिलती है। इधर की भी लेट्रोडॉर्सल और इधर की लेट्रोडॉर्सल ये आपस में कनेक्टेड रहती है किसके द्वारा, डॉर्सल कमीशन ऑफ लेटरल्स के द्वारा। और इस तरह के 17 लूप पाए जाते हैं, 6 से 22 खंड के अंदर ये लेट्रोडॉर्सल
अपनी ही तरफ की लेटरो लेटरल से भी कनेक्टेड रहती है, इसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल, ये वाली लॉन्गिट्यूडनल लेटरल कमीशन। आगे की तरफ लेटरल चैनल भी छठे खंड में जाके छोटी छोटी कैपिलरीज के अंदर बढ़ जाती है। पीछे की तरफ ये वेंट्रल चैनल के डायलेक्शन से मिलती है, जहाँ पर कि चारों चैनल्स आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है। ये देखिए, ये वाली हो गई वेंट्रल चैनल, ये बाइफर्केट हो रही है डॉर्सल चैनल दो के अंदर, और ये वेंट्रल चैनल का डायलेशन है, और ये दोनों हो गई लेटरल चैनल्स। ये सब आके यहाँ पे मिल जाती है, यही मोसिलोमिक कैपिलरीज। दिन है ब्लड सर्कुलेशन, कोर्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। ये देखिए, ये रहा, ये है वेंट्रल कमीशन ऑफ लेटरल्स, ये लेटरल चैनल्स है। लेटरल चैनल्स में से एक बाहर निकल रही है, ये डिस्ट्रीब्यूटिंग हो गई लेटरल वेंट्रल, और दो कलेक्टिंग है लेटरो लेटरल और लेटरो डॉर्सल, और ये इसका पूरा पाथवे है जिस तरह से ब्लड सर्कुलेट होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम स्पेशल सेंसरी ऑर्गन्स इसके अंदर एब्सेंट होते हैं, और स्किन जो है प्रोटेक्शन के साथ साथ रेस्पिरेटरी फंक्शन होती है। कैपिलरीज के अंदर हीमोसिलोमिक फ्लूइड पाया जाता है, जो कि एपिडर्मल सेल्स के बीच में फैली रहती हैं। एपिडर्मिस एक पारगम्य झिल्ली की तरह कार्य करता है, जिसकी सहायता से हीमोसिलोमिक और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच गैसियस एक्सचेंज संपन्न होता है। लीचेस हमेशा वाटर में या डैम सॉइल में रहते हैं, इसलिए इनकी स्किन हमेशा नम बनी रहती है, और एपिडर्मल स्लाइम ग्लैंड्स के द्वारा भी म्यूकस सिक्रीट होता है, तो ये स्किन को हमेशा नम बनाए रखते हैं और ड्राई नहीं होने देते हैं। नेक्स्ट है एक्सक्रीटरी सिस्टम या उत्सर्जन तंत्र। इसके उत्सर्जन तंत्र के अंदर आते हैं नेफ्रिडिया या उत्सर्गिका, ये 17 जोड़ी होते हैं, 6 से 12 खंड के अंदर पाए जाते हैं, और पहले 5 जोड़ी खंडों के अंदर और लास्ट के 4 जोड़ी खंडों के अंदर, जो कि पोस्टीरियर सकर बना रहे हैं, वहाँ पर नेफ्रिडिया अनुपस्थित होते हैं। इसमें दो प्रकार के नेफ्रिडिया पाए जाते हैं, प्री टेस्टिकुलर और टेस्टिकुलर। प्री टेस्टिकुलर होते हैं शुरू के 6 जोड़ी नेफ्रिडिया, जो कि प्री टेस्टिकुलर टेस्टिकुलर सेगमेंट में स्थित होते हैं, ये है 6 से 11 सेगमेंट तक के, और रिमेनिंग 11 पेयर्स जो हैं, जो कि टेस्टिकुलर सेगमेंट जिसमें टेस्टी सेक पाए जाते हैं वहाँ स्थित हैं, उन्हें टेस्टिकुलर नेफ्रिडिया कहते हैं। स्ट्रक्चर देखते हैं टेस्टिकुलर नेफ्रिडिया का क्या है। हॉर्स शू शेप्ड है, घोड़े की नाल के आकार के होते हैं, और इसके 6 पार्ट्स हैं, मेन लोब, वेसाइकल डक्ट एंड इट्स वेसाइकल, एपिकल लोब, इनर लोब, इनिशियल लोब एंड सीलिएटेड लोब। फर्स्ट लेते हैं मेन लोब। मेन लोब प्रॉपर हॉर्स शू शेप का होता है, और दो क्रॉप के जो दो सीका हैं, पास के दो सीका हैं, उनके मध्य में अदर पार्श्व सतह पर स्थित रहता है, और ये नेफ्रिडिया का अधिकांश भाग बनाता है। इसकी सेल्स, इसके अंदर दो अनइक्वल लिम्ब्स होते हैं, एंटीरियर लॉन्गर लिम्ब और पोस्टीरियर शॉर्टर लिम्ब। ये ये है मेन लोब, हॉर्स शू शेप्ड है, दो लिम्स है इसकी, एंटीरियर लिम्ब ये लंबी होती है और पीछे की पोस्टीरियर लिम्ब ये छोटी होती है। इसकी सेल्स बड़ी और पॉलीहेड्रल होती है। दूसरा है पार्ट इसका वेसाइकल और वेसाइकल डक्ट। आशय एवं आशय वाहिनी, जो मेन लोब का एंटीरियर लिम्ब है
गंभीरा मेन लोब, इसका जो एंटीरियर लिम्ब है, इससे इनर वेंट्रल एंड से एक सकड़ी नलिका निकलती है। ये सकड़ी नलिका निकल रही है इसके इनर एंड से, इसको बोलते हैं सकड़ी वेसाइकल डक्ट या आशय वाहिनी। ये पीछे की तरफ बढ़ती है और एक बड़े आशय के अंदर टर्मिनल वेसाइकल में खुलती है। ये टर्मिनल वेसाइकल, ये टर्मिनल वेसाइकल्स बड़ा है, ओवल सैक लाइक है, नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल होता है, पतली भित्ती वाली संरचना है और इसकी आंतरिक सतह पर सीलिएटेड एपिथीलियम पाई जाती है। एक एमएल भाटिया के अकॉर्डिंग ये ब्लैडर जो है वो सीलिया के द्वारा आस्थित रहता है, जबकि एक दूसरे साइंटिस्ट हैं बी देव, उनके अनुसार सीलिया इनफेक्ट नॉन मोटाइल बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रोफ्लोरा है। और ये वेसाइकल या फिर एक सकड़ी एक्सक्रीटरी डक्ट के माध्यम से नेफ्रिडियोपोर के द्वारा शरीर से बाहर खुलता है। यहाँ पर ये जो एक्सक्रीटरी डक्ट है, यहाँ पर एक स्फिंक्टर मसल्स पाई जाती है जो कि एक्सक्रीटरी सब्सटेंस के फ्लो का कंट्रोल करती है। नेक्स्ट है एपिकल लूप। मेन लोब की पोस्टीरियर लिम्ब से, ये जो पोस्टीरियर लिम्ब है इससे इसके जो इनर फ्री एंड है वो बनाता है, एक मोटी एपिकल लूप का निर्माण करता है। ये क्रॉप के नीचे अग्र पश्च सतह पर स्थित होता है। इसके अग्र भाग थोड़ा फूला हुआ होता है और अपने ही ऊपर फोल्ड किया हुआ बेंटेड रहता है, जैसे कि जो छड़ी होती है, स्टिक होती है, उस प्रकार से कॉमा की तरह है। इसकी सेल्स भी बड़ी होती है और इनके रेगुलर इंटरवल्स पर कैनाल्स, इंट्रासेल्युलर कैनाल्स इसमें पाई जाती है। नेक्स्ट है इनर लोब या इनकरेंट लोब। आंतर पाली, एंटीरियर और पोस्टीरियर मेन लोब की जो एंटीरियर और पोस्टीरियर लिम्ब है वहां से ये एक्सटेंड होती है, इसी डायग्राम को देखिए, और छोटा है ये लोब और आगे की तरफ बढ़ता है एपिकल लोब के बाहर की तरफ और इसकी आधी लंबाई पर ये पाया जाता है। दिस इज इनर लोब। उसके बाद है इनिशियल लोब या प्रारंभिक पाली। ये लंबा सकड़ा ट्रांसपेरेंट कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है, इलोंगेटेड ट्यूबुलर सेल्स की सिंगल लेयर से इसका निर्माण होता है और एपिकल लोब के पास में ये कॉइल्ड रहता है। इसके पोस्टीरियर एंड मेन लोब से ज्वाइन होता है और एंटीरियर एंड टेस्टिक सेक के अपनी ही तरफ के टेस्टिक सेक के पास जाता है और पेरिनेफ्रोस्टोमियल एम्पुली के पास में खत्म होता है। इसके अंदर इंट्रासेलुलर कैनाल्स पाई जाती है जिसके द्वारा हर कोशिका में बहुत सारे डाइवर्टिकुलास दिए जाते हैं। लास्ट है सीलिएटेड ऑर्गन, ये दे रखा है सीलिएटेड ऑर्गन। पेरिनेफ्रोस्टोमियल एम्पुला के अंदर सीलिएटेड ऑर्गन पाया जाता है और ये एम्पुला के अंदर सस्पेंडेड रहता है इसकी इनर वॉल के द्वारा। इसमें चार पांच स्टैंड्स या ट्रैबलक्यूली पाए जाते हैं और इसके अंदर एक केंद्रीय स्पंजी रिजर्वॉयर मिलता है और एक सीलिएटेड फनल पाई जाती है। जो रिजर्वॉयर है इसके अंदर मध्य में कनेक्टिव टिश्यू सेल्स पाई जाती हैं और इसकी आउटर वॉल सिंगल लेयर ऑफ सेल्स से मिलकर बनी है जिसमें बहुत छोटे छोटे पोर्स स्थित होते हैं। ये जो सेंट्रल मास है रिजर्वॉयर के अंदर, जो मध्य में कनेक्टिव टिश्यू सेल्स का मास पाया जा रहा है, ये सिलोमिक कार्पसल्स का निर्माण करती है। एक सीलिएटेड फिनर हर पोर के अंदर फिटेड रहता है। फनल एक ईयर लोब के समान है, ये कान का जैसे लोब होता है उसके समान है।
इसकी जो 1/4 इसकी मार्जिन है वो इनकम्प्लीट होती है और बाहर की तरफ ये सीलिया के द्वारा कवर्ड रहती है। एम्ब्रियो के अंदर सीलिएटेड ऑर्गन का सेल्युलर कनेक्शन होता है नेफ्रिडियम से, लेकिन एडल्ट के अंदर इसका नेफ्रिडियम से कोई कनेक्शन नहीं रहता है। इसलिए माना जाता है कि एडल्ट में ये एक्सक्रीटरी फंक्शन में भी कोई रोल प्ले नहीं करते हैं। सिर्फ ये क्या करते हैं, हीमोसिलोमिक सिस्टम के अंदर सिलोमिक कॉर्पसल्स बनाने का काम करते हैं। ये है एक सीलिएटेड ऑर्गन और ये एक सिंगल पन्नेट का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है प्री टेस्टिकुलर नेफ्रिडिया। प्री टेस्टिकुलर नेफ्रिडिया कौन से होते हैं, शुरू के 6 नेफ्रिडिया जो 6 से 11 खंड के बीच में मिलते हैं। इनकी संरचना भी टेस्टिकुलर नेफ्रिडिया की तरह ही है, लेकिन इनके अंदर यू सेगमेंट्स में मिलते हैं जहाँ पे कि टेस्टिस सैक पेरी नेफ्रोस्टोमियल एम्प्यूली और सीलिएटेड ऑर्गन्स अनुपस्थित होते हैं। इनका जो इनिशियल लोब है वो भी लूजली अरेंज्ड होता है वेंट्रल नर्व कॉर्ड के दोनों तरफ। नाउ फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन। सीलिएटेड ऑर्गन का एडल्ट के अंदर कोई एक्सक्रीटरी फंक्शन नहीं होता है। नेफ्रिडिया प्रॉपर जो है वो एक्सक्रीटरी होता है फंक्शन में, और एक्सेस ऑफ वाटर को भी ये रिमूव करता है। तो ये ऑस्मोरेगुलेटरी भी है और एक्सक्रीटरी भी फंक्शन में होता है। नाइट्रोजिनस वेस्ट इसके अंदर मेनली अमोनिया है, इसलिए लीच अमोनोटेलिक होता है। स्मॉल क्वांटिटीज में यूरिया भी एक्सक्रीट करते हैं। नेफ्रिडिया रिचली सप्लाइड रहता है हीमोसिलोमिक चैनल्स के द्वारा और ग्लैंड सेल्स के द्वारा। ये ग्लैंड सेल्स इन हीमोसिलोमिक फ्लूइड में से वेस्ट प्रोडक्ट को सेपरेट करती है और इन्हें कलेक्ट करती है नेफ्रिडियम के वेसाइकल के अंदर। और यहाँ पर एक्सक्रीटरी डक्ट के ऊपर जो नेफ्रिडियोपोर स्थित है उसके द्वारा इन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है।